Hello everyone, I am Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about some important questions I will be giving you on the subject of auditing. So video ko last tak dekhe aur auditing ke jo important questions main de raha hu usko dhyan se padhe. Aaiye start. So these are some of the important questions I will be giving you of the subject of the auditing. So कुछ questions मैं आपको बताता हूँ जो आपके exam oriented से काफ़ी important है. ये मैंने module wise कुछ questions बनाए हुए हैं. So आप ये questions को अच्छी तरीके से prepare करना. अगर आपको किसी भी question में कुछ problems होता है, अगर आपको किसी भी question का answer नहीं मिलता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, मैं आपको उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स बताऊंगा. सो मॉड्यूल नंबर वन, मैंने कुछ मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं एंड इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के चांसेस है. सो ये क्वेश्चंस जिनको ऑडिटिंग में क्या पढ़े, क्या प्रॉब्लम्स होगा, ऑडिटिंग कैसा पेपर होगा, इसके बारे में जो लोग काफ़ी सोच रहे हैं, वो ये ऑडिटिंग के जो मैंने क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किए आप लोगों के लिए, वो आप क्वेश्चन बैंक को रेफ़र कर सकते हो. एंड इसी जितने क्वेश्चंस हैं उतने क्वेश्चंस तो आप प्रॉपरली पढ़ना, उसमें से आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने देखने मिलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. एक क्वेश्चन आपके ऑडिटिंग के ऊपर, जैसे सब्जेक्ट का नाम ही ऑडिटिंग है तो डिफाइन ऑडिटिंग, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स पूछा जा सकता है. देन द सेकेंड क्वेश्चन विल बी डिस्क्राइब इन ब्रीफ द इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल ऑडिटिंग. सो आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल ऑडिटिंग यहाँ पे लिखना है. फिर एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है, एन्यूमरेट द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन बाय द ऑडिटर अबाउट इट्स क्लाइंट्स बिजनेस. तो क्लाइंट्स बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन के बारे में डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस जो है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं. फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स के बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन. मैंने यहाँ पे तीनों मेंशन किया है, लेकिन आपको क्वेश्चन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पे पूछा जा सकता है, या फिर ऑडिटिंग इन्वेस्टिगेशन पे पूछा जा सकता है, या फिर अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन पे पूछा जा सकता है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन विंडो ड्रेसिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट इट. तो विंडो ड्रेसिंग के ऑब्जेक्शंस क्या क्या है वो भी आपको इसमें कवर करने पड़ेंगे. सो विंडो ड्रेसिंग के बारे में देखना, विंडो ड्रेसिंग रिलेटेड टू फ्रॉड पॉइंट है. सो इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो डाला है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को चेक करें. ऑडिटर्स ड्यूटीज रिगार्डिंग फ्रॉड, कि ऑडिटर्स की क्या क्या ड्यूटीज है रिगार्डिंग फ्रॉड. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ इंटरिम ऑडिट, तो इंटरिम ऑडिट के क्या क्या एडवांटेजेस है वो. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट. तो आपको क्वेश्चंस कुछ सीधे तरीके से नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके डालते हैं. तो क्वेश्चंस को पहले आप अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज द एग्जामिनर एक्सपेक्टिंग, कि क्या उसका आंसर होना चाहिए, और उस बेस पे क्वेश्चन को समझे पहले और उस बेस पे आंसर करने के लिए ट्राई करें. सो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट भी एक क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज द ट्रू एंड फेयर व्यू, उसके बारे में भी मैंने वीडियो डाला है. टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में डाला है. टेस्ट चेकिंग के ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाला है, और मैंने अन अकेडमी पे पूरा एक ऑडिटिंग का कोर्स डाला है. अगर आपने वो कोर्स अभी तक नहीं देखा है तो उसमें आपको सारे लेसन्स लाइन से मिल जाएंगे. सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन प्रिपेयरिंग ऑडिटिंग सब्जेक्ट फॉर द एग्जामिनेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट्स यूजर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में और उसके यूजर्स के बारे में आपको लिखना है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, और उसके यूजर्स कौन कौन है, किनको वो बेसिकली स्टेटमेंट्स वो यूज होता है. तो दिस आर द सम ऑफ द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द मॉड्यूल नंबर वन. काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मॉड्यूल नंबर वन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आने के चांसेस है, और उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट्स में भी आ जाएंगे जो लास्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है. सो ओवरऑल दिस आर द क्वेश्चंस. वीडियो को प्रॉपर बेस पे देखो, अगर आपको ये क्वेश्चंस कहीं पे नहीं मिल रहे हैं तो क्वेश्चंस जो जो आपको नहीं मिल रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा. अब हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर टू के बारे में. तो मॉड्यूल नंबर टू में से आपको क्या पढ़ना है, फिलहाल मैं आपको मॉड्यूल नंबर वन और मॉड्यूल नंबर टू के क्वेश्चंस इस वीडियो में बता रहा हूँ, और अगले वीडियो में मैं आपको मॉड्यूल नंबर थ्री और मॉड्यूल नंबर फोर के बारे में भी बताऊँगा. सो मॉड्यूल नंबर टू में
थोड़े कम क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड फैक्टर से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मॉड्यूल नंबर वन के क्वेश्चंस जितने मैंने दिए वो सारे क्वेश्चंस आप पढ़ना। मॉड्यूल नंबर सेकंड का क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शंस गिवन टू क्लाइंट बाय ऑडिटर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एन ऑडिट। तो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस रहेंगे जो ऑडिटर के बेसिस पे लिए जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द क्लाइंट बाय द ऑडिटर। तो ऑडिटर क्या क्या इंस्ट्रक्शन देगा उनके क्लाइंट को ऑडिट कमेंस होने से पहले, वो पॉइंट्स आपको यहाँ पे नोट डाउन करने हैं। सो थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट करके एग्जाम में पूछा जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़े एंड देन अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जामिनर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड देन यू कैन राइट द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऑडिट प्रोग्राम के बारे में पढ़े। ऑडिट प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके ऊपर काफ़ी पेपर्स में क्वेश्चंस आपको देखने मिलेगा, तो ऑडिट प्रोग्राम पूरा डिटेल में पढ़े, एडवांटेजेस उसके एग्जैक्टली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे आपको पढ़ने हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज करंट फाइल एंड परमानेंट फाइल के बारे में पढ़े। करंट फाइल एंड परमानेंट फाइल के बारे में भी मैंने एक लेसन डाला है अनअकैडमी पे प्लेटफॉर्म पे, तो वो भी आप चेक करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सो दैट आप डायरेक्टली वो लिंक से अनअकैडमी पे जो लेसन मैंने डाले हैं वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ऑडिट वर्किंग पेपर्स। तो ऑडिट वर्किंग पेपर्स भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चंस पूछा जाता है। यूजुअली ऑडिट वर्किंग पेपर्स ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है और उसके कंटेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो ऑडिट वर्किंग पेपर्स और उसके कंटेंट्स। नेक्स्ट इज ऑडिट प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट सैम्पलिंग। सो ओवरऑल these are some of the questions which are been related to your exam and which are very important from your exam point of view, so don't skip this question. If you are confused what to study in auditing, you have to study this much questions. अगर आपने इतने questions भी पढ़ लिए तो आपको exam में अच्छे marks मिल पाएंगे। So मैंने अभी module number 1 और module number 2 cover किया है इस video में, ये सारे questions पढ़े। अगर आपको कुछ problems हो रहे हैं किसी question में तो comment section में comment करें, और अगर आपको मेरे video अच्छे लगते हैं तो video को like ज़रूर करें, because now it's time for your examination। अभी काफ़ी exam start होने वाले हैं मार्च अप्रैल में, तो मैं अभी नए नए वीडियो आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू सीरीज वो सब कुछ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में गाइडेंस देने वाला हूँ जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है फॉर अटेम्प्टिंग योर एग्जाम। तो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब करो चैनल को, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, बिकॉज उनको भी ये ऑडिटिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मिल पाए। टिल देन बाय बाय, वर्क हार्डर बी स्मार्ट।